लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भड़के हिंदूवादी संगठन, मंदिरों का खजाना वापस लेने के सुझाव पर भिड़ंत। धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। कोरोना की आपदा के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के एक बयान ने हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा बढ़ा दिया है। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चौहान मंदिरों का सोना और खजाना वापस लेकर उसे कोरोना महामारी के नियंत्रण में खर्च कराना चाहते हैं। बयान की निंदा करते हुए रमेश शिंदे ने कहा कि मुस्लिमों को हज की सब्सिडी और मौलवियों को भत्ता देने वाली कांग्रेस सदैव हिंदुओं की विरोधी रही है। उसे मंदिरों का धन मांगने की बजाय अपने कार्यकाल में लूटे गए मंदिरों का हिसाब देना चाहिए। आइए सुनाते हैं रमेश शिंदे ने और क्या कहा। कांग्रेस के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जो मांग की है कि मंदिरों का जो सोना है तो उसको सरकार कब्जे में ले ले और आज जो अर्थव्यवस्था जो नीचे गिर रही है तो उससे उभारने के लिए इसका उपयोग करें। सबसे पहले तो मैं ये निंदा करना चाहता हूं कि क्या अब पूरा देश इनका लूट करके हो गया। आज इनका ध्यान मंदिरों के अंदर जो सोना जो भक्तों के पास से है, जो हजारों वर्षों से मंदिरों के अंदर जमा किया गया है, अब उसके ऊपर गई है। यही कांग्रेस की सरकार थी। जब राम सेतु का मुद्दा आया तो इन्होंने कहा राम सेतु है ही नहीं। जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो उन्होंने कहा नहीं, राम तो काल्पनिक है। तो जिनको मंदिर से कोई लेन देन नहीं है, इनको हमारे भगवान काल्पनिक लगते हैं, जो वास्तविकता में है ही नहीं ऐसे लगते हैं, और अब इनको सिर्फ मंदिरों का धन दिखाई दे रहा है। आज हमें ध्यान में लेना चाहिए कि पिछले 70 वर्ष में जब कांग्रेस का राज था तो भारत में जो घोटाले हुए उसकी कुल यदि राशि हम देखते हैं तो 4,82,000 करोड़, इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ। मैं पूछता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई? आज कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती है कि जो पैसा काला धन विदेश में था उसको वापस लाया जाना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं के पास कितना धन जमा है उसको वापस लाना चाहिए, इसके बारे में नहीं कहेंगे। इनका ध्यान अभी मंदिरों के अंदर जो हिंदुओं की जमा है उसके ऊपर है। हमने एक महीना पहले जब कोरोना की महामारी जब बढ़ गई थी तब केंद्र सरकार को कहा था मात्र दिल्ली में FCRS से जो वहां के NGOs है उनको 12,000 करोड़ रुपया एक साल में आया है। तो हमारी ये मांग थी कि ये 12,000 करोड़ जो आज विदेश से आया है और ये विदेश के लोगों ने जो भारत में भेजा है उसका उपयोग करें। आज भारत में सबसे बड़ा लैंड ओनर यदि कोई है तो वो चर्च है। आज दूसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा लैंड ओनर और जिसके पास वकफ की जमीन है वो हमारा वकफ बोर्ड है। तो क्या मेरा प्रश्न है कांग्रेस के इन नेताओं से, वो कभी चर्च की जमीन है उसके बारे में कभी बात करेंगे? वो कभी कितना आज जैसे अजमेर जैसा दरगाह है तो वहां पर कितना पैसा आता है, निजामुद्दीन में कितना पैसा आता है, क्या उसको सरकार के पास लेके जाने की कभी बात करेंगे? ये लोग आज इस आपत्ति में भी यदि तेलंगाना में हम देखेंगे तो रमजान के गिफ्ट बांट रहे हैं। ये लोग जब रमजान आता है तो इफ्तार बांटेंगे। इन्होंने करीब करीब 12-13 साल हज यात्रा के लिए डोनेशन बांटा तब इनको देश का पैसा नहीं दिखाई दिया। तो जब आज देश भीषण परिस्थिति में है, हमारे मंदिरों ने सबसे बड़ा काम किया है। आज मंदिरों से चलने वाला अन्नदान, मंदिरों से कितना धन आज सरकार को दिया गया है, शिरडी के संस्थान ने दिया, सिद्धिविनायक मंदिर ने दिया, तिरुपति ने दिया। आज तिरुपति की परिस्थिति ऐसे है कि तिरुपति में वहां पर स्टाफ को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये मूलतः प्रश्न है, क्या ये सेक्युलर सरकारों को मंदिरों के बारे में कुछ कहने की वास्तविकता में आवश्यकता है? क्या इनको हमारे मंदिर चलाने की आवश्यकता है?
तो इसके लिए हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और कांग्रेस को हम इसकी चेतावनी करके रखते हैं कि इस प्रकार से यदि कोई योजना बनती है, इस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर के जो धन है उसको कब्जाने का प्रयास होता है, तो हिंदू जनजागृति समिति और हिंदू संगठन इसका मुरझोर विरोध करेंगे।